हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन से संबंधित तमाम आज की बड़ी अपडेट्स हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इस साल 10वीं कक्षा में 8.25 लाख से ज़्यादा होंगे छात्र बैठने व पढ़ने में समस्या। रुक जाना नहीं योजना के बाद भी ओवरलोड हो सकती है कक्षाएं। स्टूडेंट्स, यहां पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में ऐसे बच्चे जो कक्षा 10वीं में 2 विषय से अधिक में फेल हो चुके हैं वो रुक जाना नहीं में बैठेंगे, और कक्षा 12वीं में जिन बच्चों के 1 विषय से ज़्यादा विषय में फेल हो चुके हैं वे क्या करेंगे? स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे? रुक जाना नहीं की परीक्षा देंगे। 2024 आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जून में आयोजित होंगी। तो जान लेते हैं हम क्या क्या आज की बड़ी अपडेट्स हैं। सभी स्टूडेंट्स और हमारे जितने भी साथीगण इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए आज की बड़ी अपडेट यहाँ पर क्या आया है निकल कर। यहाँ पर आया है कि 10वीं के लिए शिक्षा मंडल ने लागू की थी योजना, 1 विषय में फेल हुए तो आएगी सप्लीमेंट्री, बेस्ट ऑफ 5 बंद। देखिए बच्चों, 2024 में बेस्ट ऑफ 5 योजना थी, लेकिन अब 2024-25 में बेस्ट ऑफ 5 योजना बंद हो गई। अगर आप लोग 1 विषय में फेल हो गए तो भी आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, चाहे कक्षा 10वीं हो चाहे कक्षा 12वीं हो। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री अब आएगी। पहले ऐसा होता था 6 विषय थे, अगर आप 5 में पास हो गए तो आपको पास मान लिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये योजना अब बंद कर दी गई है इस साल के बाद से। तो एक और ये बड़ी अपडेट थी, आगे भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमारे आने वाले 2024-25 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि कक्षा 10वीं और 12वीं जिन बच्चों के 12वीं में जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है वे अपना 1 मई से आवेदन करेंगे। सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप 1 मई से आवेदन करना ना भूले। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट है, बोर्ड परीक्षा में CM राइज स्कूल और PM श्री स्कूल मॉडर्न स्कूल मेरिट में नहीं बना सके अपना स्थान। चलिए, और यहाँ पर है बोर्ड परीक्षा, 16 स्कूलों ने खराब किया है इंदौर का नाम। देखिए, इंदौर शहर का स्वच्छता में सबसे नंबर 1 आता है इंदौर शहर MP का, लेकिन यहाँ पर 16 स्कूलों ने इंदौर का जो नाम है वो ख़राब कर दिया है। अब वो स्कूल के नाम आपको इसके अंदर सभी मिल जाएंगे। और टॉपर की यदि बात करें तो लड़कों की अपेक्षा जो प्रदेश में अव्वल रही है वो कौन रही है? लड़कियाँ, लड़कियों के ज़्यादा परसेंट बने हैं। ये अपडेट अपन ने देख ली है कि 1 मई से आपके हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी स्कूल के सप्लीमेंट्री के फॉर्म जमा होंगे। जिन बच्चों के सप्ली आई है भैया, आप फॉर्म जमा कर देना, क्योंकि रुक जाना नहीं के फॉर्म पहले ही डल जाएंगे, फिर आपके पास कोई मौका नहीं होगा, तो गलती ना करें। ये कॉलेजों में प्रवेश 1 मई से शुरू होंगे। साथ में जो BEd करना चाहते हैं उनके 30 जून तक एडमिशन होंगे, और UGPG के 25 जुलाई तक चलेंगे एडमिशन। ये तमाम अपडेट है आज की। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर स्कूलों में 10वीं 12वीं का रिजल्ट 5 से 22%, 16 प्राचार्य को नोटिस। ये तमाम आज की बड़ी अपडेट्स है जिनसे मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। यहाँ पर कक्षा 11वीं 12वीं में दूसरी भाषा के लिए 2 विकल्प है, बेसिक और स्टैंडर्ड लैंग्वेज यहाँ पर रहेगी 11वीं और 12वीं में। प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने से छात्र परेशान, आवासीय विद्यालयों के लिए था वो। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए तमाम आज की बड़ी अपडेट है। अगर आप इन विद्यालय, जैसे कि कुछ विद्यार्थी, यहाँ पर एक और अपडेट है, पुलिस की शरण में पहुँचे फेल विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी फेल हो गए हैं वो पुलिस के पास पहुँचे हैं और उन्होंने क्या कहा है
यहाँ ग्राम गौसलपुर में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में प्रबंधन के द्वारा हुई चूक के कारण कक्षा 10वीं के सभी 41 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रैक्टिकल के नंबर ऑनलाइन फीडिंग करने में हुई लापरवाही, इस कारण से बच्चे कहाँ चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी जिससे मैंने आपको अवगत करा दिया। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।